सेकेंड एक और प्रॉब्लम के बाद में डिस्कस करते हैं, आप में से कितने लोग ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि ई कॉमर्स साइट पे चीप रेट पे प्रोडक्ट मिल रहा है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अमेज़न फ्लिपकार्ट और सस्ते में दे रहता है प्रोडक्ट। कितने लोगों को लगता है कि यार अमेजन फ्लिपकार्ट की वजह से हमारा बिजनेस ठप हो रहा है? अमेजन फ्लिपकार्ट की वजह से आपका बिजनेस बिल्कुल भी ठप नहीं हो रहा। ओके, बिल्कुल ठप नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूं अभी। दिस इज अवर इन कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ दैट। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन एट ऑल, वो हमारे कॉम्पिटिशन है ही नहीं। जो लोग अमेजन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑब्वियसली अनएथिकल है। अगर आपको पता चलता है डेफिनेटली कंपनी को बताइए, अगर कोई अनएथिकल काम कर रहा है तो। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एथिक्स के अगेंस्ट है वो अगेंस्ट है, जो गलत है वो गलत ही है। और इस बिजनेस में हम लोग 2020 नहीं, टेस्ट मैच खेलने आए हैं, क्विक मनी अर्न करने नहीं आए हैं, एक लंबा गेम खेलने आए हैं। तो ये तो अनएथिकल काम है, लेकिन जो लोग अनएथिकल काम कर रहे हैं वो पकड़े गए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पकड़े जा रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? तो इसका जो सॉल्यूशन है, अगेन वेरी सिंपल, इसका भी एक ही सिंपल सॉल्यूशन है। Add that person to your network. Add that person to your network. Okay? हुआ क्या कि मेरी टीम के कुछ लोग आज से एक डेढ़ साल पहले, देखिए कॉमन प्रॉब्लम है आपकी टीम में, आज कोई पर्सन ज्वाइन करेगा ना, वो भी यही क्वेश्चन पूछेगा, सर ये सब तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने महंगे हैं, लेकिन ई कॉमर्स में तो और ज्यादा सस्ते में मिल रहे हैं, ऐसे तो मेरे से कोई नहीं देगा प्रोडक्ट, है ना। हर 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 किसी नए नए टीम मेंबर का यही क्वेश्चन होता है सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा हॉटेस्ट कस्टमर कौन है? हमारा डाउनलाइन, हमारा हॉटेस्ट कस्टमर हमारा डाउनलाइन है। और एक पर्सन, मैंने एक बार पूछा अपनी टीम से, एक बार हम एक ऑनलाइन वेबिनार कर रहे थे, जब ये हम ये क्वेश्चन Q&A एक सेशन कर रहे थे, डिस्कशन बोर्ड पे थे, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, क्या करें? तो मैंने उन सभी लोगों से पूछा एक एक करके, आप सभी लोगों से मुझे पूछना है, आप लोग हमारी कंपनी में है, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेवल पे है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अमेज़न या फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदा है? एनीबडी, कोई ऐसा है जिसने ज्वाइन करने के बाद कभी भी अमेज़न फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदा हो अपने लिए? किसी ने नहीं खरीदा था। पता है क्यों? क्योंकि नाउ दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या वो अमेज़न से खरीदता है? डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं खरीदता, खरीदता है तो वो कस्टमर, जो कि आज यहां है कल वहां है। उस कस्टमर को अपने जाल में जब तक आप नहीं बंद कर लेंगे, तब तक वो भटकता ही रहेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा। ओके, सो यू हैव टू एड दैट कस्टमर टू योर नेटवर्क फास्ट, वेरी फास्ट, जल्दी से जल्दी। अब इसकी कुछ स्किल्स होती हैं, क्योंकि कस्टमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब एक कस्टमर, एक लेडी थी जो कि गाजियाबाद साइड रहती हैं, तो उन्होंने एक बार कुछ प्रोडक्ट मेरे से लिए, उसके बाद मैंने उनको एमआरपी से थोड़े से कम रेट पे दिया, तो उन्होंने बाद में मुझे फोन करके बोला कि आपने तो बहुत महंगा दे दिया, ये तो अमेजन पर सस्ता पड़ रहा है। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं कि किस तरीके से हम उस प्रोस्पेक्ट को संभालें, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि भैया ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं चलता भैया, ये आप तो इतना महंगा प्रोडक्ट लेके चले गए और बिल बिल सब वो सब ठीक है, लेकिन अमेजन में तो सस्ता मिला। अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है, वो कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रही होगी, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना। अब जब कस्टमर बहुत ज्यादा गर्म होता है, उस टाइम पे आप जितना कम बोले उतना अच्छा। तो उस टाइम पे जैसे तैसे मैंने उनको संभाल लिया, मैंने उनको बस इतना ही बोला, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ मैंने कैसे उनको हैंडल किया। मैं उनको बस इतना ही बोला, एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको विद बिल एंड एवरीथिंग उसके थ्रू मैंने किया, एक काम करते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कि आप इन प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और आपको रुपये वापस मिल जाएगा। ओके, रुपये वापस मिल जाएगा, कंपनी का बायबैक चीज होती है, 30 डेज के अंदर हम लोग बिल दिखा के वापस ले सकते हैं प्रोडक्ट को। एक तो ये पहली बात, तो आप चिंता मत करिए कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन। ओके, तो थोड़ा सा ना हमको पहले उनको आश्वासन देना है कि आप एक सही पर्सन से बात कर रहे हैं, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। फिर मैंने उनको, नहीं, वो बेटा वो तो ठीक है, मैं आप पे वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि जब वो चीज इतनी सस्ती मिल रही है तो आपने तो महंगा दे लिया ना, तो
तो वो तो नहीं, अब मेरी बात सुनिए पूरी ध्यान से। अगर आपको लगता है कि जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिया और जो आप अमेजन फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ले लो, लेके देख लीजिए। और अगर ये प्रोडक्ट आपको वापस करने हैं तो 30 दिन के अंदर वापस कर दीजिएगा, रुपया वापस मिल जाएगा, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये अमेजन फ्लिपकार्ट में कहाँ से आ रहे हैं प्रोडक्ट? तो फिर मैंने, अब क्योंकि पहले तो ठंडी हुई ना, तो मैंने उनको बोला, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अमेजन और फ्लिपकार्ट को जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो हमारी कंपनी नहीं बेच रही, वो कोई ऐसे कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो कभी वहां से नहीं खरीदा, मैंने तो हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट लिए, मैंने हमेशा जो भी प्रोडक्ट लिए अपनी कंपनी से ली, ओरिजिनल प्रोडक्ट। बहुत सारे कस्टमर्स मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं, अगर ये प्रोडक्ट एक पर्सन जब लेता है ना तो अपनी हेल्थ के लिए ले रहा है, हेल्थ ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट या क्लोज टू एक्सपायरी प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट जो काफी टाइम से किसी के पास रखे थे वो जबरदस्ती बेच रहा है वो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जहां पे कोई बाई बैक की गारंटी नहीं, किसी चीज की गारंटी नहीं। तो डिसीजन आपका है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चाहिए, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा बिल 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 से लीजिए, हमेशा हमेशा बिल से लीजिए। ये प्रोडक्ट जो कि किसी और कंट्री में बन के इंडिया में आते हैं, इंडिया में आके अलग अलग शहरों में बढ़ जाते हैं, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है, बाकी आप समझदार। ठीक है, मैं आपको बिल बिल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई नो नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा उनको बोला कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जो बिल में अमाउंट है वही तो अमाउंट देनी है वो, और बिल कितना, जो कि उनकी आईडी बना के, अब क्योंकि उनको डाउट था उनकी ही आईडी बना के, जब अब उनको ही प्रोडक्ट जाता है अब वो खुश है। तो ये भूल जाइए कि कस्टमर के पास रुपया नहीं है, कस्टमर के पास रुपया है, कस्टमर को हमको बस सही डायरेक्शन देनी है विद अवर फाइन वर्ड्स, दैट इज अ स्किल जो कि एक पर्सन के पास होती है दूसरे पर्सन के पास नहीं होती। हम एक ही कंपनी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट समबडी कैन हैंडल सच क्लाइंट्स एंड समबडी कैन नॉट। बट अब अगर नाउ शी इज इनटू माय नेटवर्क, अब बस मैंने उनको इतना सिखा दिया उनके बेटे को कि लॉगिन करके कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, अब वो प्रोडक्ट लेता रहता है, अब वो प्रोडक्ट लेता रहता है, अब मेरे को दिखता रहता है प्रोडक्ट बिक गया, यही है पैसिव इनकम सबसे बढ़िया। सो अल्टीमेटली मेरा फोकस यही था, इनको मैं नेटवर्क में ज्वाइन कराया जाए। ओके, इसका भी सिर्फ यही सॉल्यूशन है।